गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग लेसन 4 पढ़ेंगे। लेसन 4 में है पदार्थ की परमाणु संरचना। पदार्थ का गठन किस प्रकार होता है, पदार्थ के गठन में कौन कौन से कण होते हैं, प्राचीन काल में इसकी क्या धारणा थी और अभी तक जो संशोधित रूप है उसका क्या है, ये चैप्टर में आज हम लोग यही पढ़ेंगे। तो पहला नंबर पढ़ते हैं पदार्थ। पदार्थ के बारे में हम लोग जानते हैं पदार्थ किसे कहते हैं, तो पदार्थ है ना वह जो स्थान घेरता है, जिसकी आयतन होती है, ये सब हम लोग पहले पढ़े हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की संरचना, पदार्थ का गठन किस प्रकार। तो आज से पहले प्राचीन काल में महर्षि कणाद ने यह बताया था कि पदार्थ का गठन जो होता है अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर होता है जिसको परमाणु कहते हैं। और 1808 ईस्वी में डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने परमाणु संबंधित अनेक जो है परमाणु संबंधित इन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसको कहा जाता है डाल्टन का परमाणुवाद। इन्होंने उसमें कहा कि परमाणु जो होता है, कोई भी परमाणु जो होता है अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जो अविभाज्य होता है, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो पदार्थ का गठन अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर होता है, जो अविभाज्य होता है, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे कहते हैं परमाणु। ये डाल्टन के अनुसार जो है बताया गया। अब जो है लेकिन 19वीं शताब्दी में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया, बहुत सारी जानकारियां हम लोगों को प्राप्त हुई। इसके अनुसार है ना परमाणु जो होता है यह अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसका विभाजन होता है और ये और छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और इन्होंने इस कणों का नाम दिया, विभिन्न कणों से मिलकर बना होता है, जिसमें मुख्य रूप से होता है इलेक्ट्रॉन 3, है ना 3। अभी हम लोगों को 3 कणों के बारे में पढ़ना है। 3 कण जो है मुख्य रूप से जो है आया, जिसका पहला नाम होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा हो गया प्रोटॉन और तीसरा हो गया न्यूट्रॉन। ये 3 कणों के बारे में मुख्य रूप से हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो पदार्थ का गठन जो होता है, जिस प्रकार एटमिक स्ट्रक्चर के अनुसार अगर हम लोग देखें, तो ये जो होता है ये हो गया तुम्हारा केंद्रक, और केंद्रक के चारों ओर क्या होता है, विभिन्न ग्रह घूमते रहते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी अगर पदार्थ के गठन के बारे में पढ़ेंगे तो ये केंद्रक है, लेकिन केंद्रक में उपस्थित रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके चारों तरफ जो होता है इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। ये हम लोग डिस्क्राइब करके आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोगों को याद रखना होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है ये परमाणु के केंद्रक में उपस्थित रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वह वृत्ताकार कक्ष में चारों तरफ घूमता। अब इसी तीनों के बारे में जो है हम लोगों को कुछ विशेष जानकारी रखनी होगी, जो कि यहाँ पर एक हम चार्ट बनाए हैं और चार्ट के अनुसार देखेंगे। जैसे कण, कण में हम लोगों ने अभी पढ़ा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसका प्रकृति क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋण आवेशित होता है, क्या होता है ऋण आवेशित होता है। इसका आवेश कितना होता है,
इसका आवेश माइनस 1.6023 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। इसकी मात्रा कितनी होती है? तो मात्रा होता 9.11 इंटू 10 का पावर माइनस 28 ग्राम। हाइड्रोजन के सापेक्ष इसकी मात्रा कितनी होती है? तो 1/1840 भाग होता है। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने सन 1897 ईस्वी में किए थे। ये हो गया इलेक्ट्रॉन। अब पढ़ेंगे प्रोटॉन। प्रोटॉन जो होता है ये पॉजिटिव मतलब घन आवेशित कण है। इसका आवेश होता है प्लस 1.6022 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, जबकि प्रोटॉन का आवेश मात्रा होता है 1.6725 इंटू 10 का पावर माइनस 24 ग्राम। हाइड्रोजन के सापेक्ष जो होता है प्रोटॉन का मान कितना होता है? तो 1। इसका आविष्कारक प्रोटॉन का आविष्कारक कौन थे? प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया था? तो प्रोटॉन नामक कण का आविष्कार गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने सन 1911 ईस्वी में। ये हो गया प्रोटॉन। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का होता है? न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रल होता है, आवेश रही। इसका आवेश का जो होता है प्रकृति होगी आवेश रही, न्यूट्रल होता है, आवेश होता है इसका शून्य। क्या होता है? शून्य। इसका मान जीरो होता है। मात्रा इसका होगा 1.675 इंटू 10 का पावर माइनस 24 ग्राम। हाइड्रोजन के सापेक्ष इसका मात्रा भी जो है 1 ही होता है। आविष्कारक न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? तो न्यूट्रॉन का आविष्कार जो होता है जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने सन 1932 ईस्वी में किए थे। ये हो गया परमाणु संरचना का गठन। किस प्रकार होता है परमाणु संरचना में? मुख्यतः इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मुख्य रूप से कण है। इसके बाद भी कण होता है जो अभी हम लोगों को सिलेबस में नहीं है, पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, ये सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन तीन कणों के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन स्थित रहता है कहाँ? तो बोलोगे केंद्र के चारों तरफ घूमता है और केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहता है। और इसका प्रकृति क्या है, आवेश क्या है ना, इसकी मात्रा कितनी होती है, इसका आविष्कार किसने किया था, इसका आविष्कार किस वर्ष हुआ था, ये सब जो है MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन में एग्जाम में आता है। इसलिए चार्ट को बहुत ध्यान से और अच्छा से पढ़ना है और इसी पर आधारित हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो है तुम लोगों को देंगे। और लेसन 4 निकाल करके पहला इसका डिस्क्रिप्शन को पढ़ना और उसी के अनुसार क्वेश्चन को हल करके जो है व्हाट्सएप में सेंड करना। ओके okay?